बेटा, पंडित सुखराम जी की धर्म पत्नी कन्ही देवी को संतान रत्न की प्राप्ति हुई। सारे सालमसार में इस बात की खबर हो गई कि पंडित सुखराम जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बेटा, पंडित सुखराम जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद कन्ही देवी अकेली और असहाय हो गई। उनके चारों भाइयों में से तीन भाई जो कि गृहस्थ जीवन जी रहे थे, उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई मोहनदास जो कि बाल ब्रह्मचारी थे, बहन कन्ही देवी के जीवन यापन का भार सौंपकर अपने अपने गांव वापस चले गए और मोहनदास जी अपनी बहन के साथ रहते हुए उन्होंने वहां के सारे कामकाज संभाल लिए। भजन कीर्तन छोड़कर तुम कहाँ खेती किसानी में लगे हो? अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वही तो समझना चाहता हूँ। तो सुनो, भगवान का भजन आत्मा को तृप्त करता है, भोजन इस शरीर को तृप्त करता है, क्योंकि इस शरीर में बसती है आत्मा और आत्मा में परमात्मा। मोहनदास, पर मैं जानता हूँ तुम्हारा जन्म ही भगवान भक्ति के लिए हुआ है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, फिर आपसे मिलने आऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। रह रह करके आती याद
बार फिर आपसे कहता हूँ मोहनदास, आपका जन्म भक्ति भजन के लिए हुआ है। छोड़ो ये माया जाल और भक्ति करो, भक्ति ही तुम्हारे जीवन का आधार है। मामा, ओ मामा, ये आज क्या हो गया आपको? लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलिए दो घड़ी आराम कर लीजिए। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मामा का मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मोहन तो बहुत मेहनती इंसान है, फिर वो अपनी कंडासी इधर उधर क्यों फेंक रहा था? माँ, अगर यही हाल रहा तो खेत में इस बार फसल की कल्पना करना भी बेकार है। अरे अरे मोहन सुन तो। हाँ दीदी। ये उदय आज क्या कह रहा था? तू अपनी गंडासी इधर उधर क्यों फेंक रहा था? दीदी, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति मेरे हाथ से गंडासी छीन के इधर उधर फेंक रही थी। ये आज तू कैसी बातें कर रहा है? हाँ दीदी, एक बात और, मुझे खेत में ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ मोहनदास, आपका जन्म भक्ति भजन के लिए हुआ है। छोड़ो ये माया जाल और भक्ति करो, भक्ति ही तुम्हारे जीवन का आधार है। मेरे भाई का मन अशांत है, शायद विवाह के पश्चात उसकी ऐसी सोच बंद हो जाए। यदि ऐसा ना हुआ तो कहीं ये सन्यासी ना हो जाए। क्या बात है दीदी, कहाँ खो गई? मोहन, भाई मेरी बात मान ले और अब विवाह के लिए हाँ कर दे। अफसोस दीदी, क्यों मुझे सांसारिक बंधनों में जकड़ना चाहती हो? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं मोहन, अब तुम्हें गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। मैं कल ही तुम्हारे रिश्ते के लिए संदेशा भिजवाती हूँ। लेकिन दीदी, प्रभु ने मुझे स्वयं भक्ति आराधना में जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया है और मेरा मन कहता है कि उनका आदेश ना मानने से कुछ ना कुछ अनिष्ट अवश्य होगा। तू ऐसी बातें मन से निकाल दे, सब ठीक हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा दीदी। बेटा, कन्ही देवी ने अपने भाई मोहनदास की दुल्हन के लिए तरह तरह के गहने खरीद लिए थे। नाई पड़ोस के एक गांव में सुंदर लड़की देखकर आया और जाकर ये खबर कन्ही देवी को बताने लगा। नाई के जाने के बाद मोहनदास जी खेतों से घर आए। कन्ही देवी अपने भाई से बड़े प्रेम से ये कहने लगी। खिल
अरे भाई ये किसकी मृत्यु हो गई? अरे भैया कल तक ये लड़की बढ़िया हंस खेल रही थी और इसके लिए सालासार से बहुत बढ़िया रिश्ता भी आया था। अच्छा, और अचानक आज इसकी मृत्यु हो गई। बेटा, इतना कहकर मोहनदास जी पवन पुत्र हनुमान की कठिन तपस्या करने लगे और उनकी कठिन तपस्या को देख एक दिन श्री हनुमान जी अपने भक्त के घर जाने का निश्चय करते हैं। मोहन, वहां तो कोई नहीं है। क्या कह रही हो बहन? हाँ भाई, मैं सच कह रही हूँ। मैंने बाहर जाकर दूर दूर तक देखा पर मुझे कोई साधु महाराज नहीं दिखे। शायद मुझे देर होते देख साधु महाराज बिना भिक्षा लिए ही चले गए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई दीदी। कैसी भूल मामा जी? वो साधु भेष में स्वयं हनुमान जी थे। क्या क्या कहा तुमने? हाँ दीदी, मैंने मन ही मन उनके दर्शन किए हैं। ये मैंने क्या किया? स्वयं भगवान मेरे घर आए और मैं, मोहन मोहन, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हमें अब उनके कभी दर्शन नहीं हो पाएंगे? प्रभु अवश्य आएंगे दीदी, अवश्य आएंगे। सनिक
हाँ तो बेटा, श्री हनुमान जी दो माह पश्चात फिर एक बार साधु का रूप धारण कर मोहनदास जी के द्वार पर आवाज लगाते हैं। कन्ही देवी मोहनदास जी से कहती हैं कि द्वार पर कोई साधु आया है। मोहनदास जी समझ जाते हैं कि हो ना हो मेरे बालाजी अपने इस दास को दर्शन देने आ ही गए। और भक्तवत्सल हनुमान जी ने उत्तर दिया, भक्त मोहन, मैं तुम्हारी निश्चल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु मैं यहाँ पे तभी पधारूंगा जब मुझे पवित्र आसन दिया जाए। इसके साथ ही मिश्री सहित खीर व चूरमे का नैवेद्य स्वीकार करूंगा। मुझे स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। और हाँ, एक बात याद रहे, कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा ना करे। श्रद्धा सहित दी गई भेंट मैं ग्रहण करूंगा और सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सदैव साला सर में निवास करूंगा। आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ, अब मैं सालासर में सदैव निवास करने का वचन देता हूं। जय जय श्री राम। पुजारी जी, बाबा मोहनदास ने गांव के बाहर रहने का निश्चय क्यों किया? बेटा, ईश्वर का सच्चा भक्त भक्ति में लीन होने के कारण
संसारी मोह माया में नहीं पड़ता और बाबा मोहनदास जो साधना करना चाहते थे वो गांव में रहकर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने गांव से बाहर रहने का निश्चय कर लिया। और बेटा, जिस समी वृक्ष के नीचे बाबा मोहनदास तपस्या कर रहे थे वो वृक्ष सभी वृक्षों से ज्यादा फला फूला था। एक दिन एक जाट का पुत्र उस समी वृक्ष पर चढ़ गया और उसके फल तोड़ने लगा। बेटा, इसका भोजन बना के नहीं खाना। क्यों बाबा जी? क्योंकि जो भी इसे खाएगा वो मर जाएगा। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो। बाबा जी, कल आप जिस जाट के पुत्र को सागरी के फल का साग खाने को मना किया था, उस जाट ने किसी की बात नहीं मानी और साग बनवाकर खा गया। आज सवेरे उसकी मृत्यु हो गई बाबा। विधि के विधान को कौन टाल सकता है बेटा? जो होना था हो गया। जय बालाजी। भोजों में देखना चाहूं मोहनदास
बेटा, भगवान बालाजी हनुमान अपने भक्त मोहनदास के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। अपने भक्त की कठिन परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने पथ से भटकाने का प्रयास, तो कभी भक्ति का उपदेश और कभी मलयुद्ध। बालाजी महाराज ने मोहनदास जी को मलयुद्ध में पराजित किया और अंतर्ध्यान हो गए। मोहनदास जी उठकर धीरे धीरे अपनी कुटिया में आए। उनके भांजे उदयराम ने उनसे पूछा, क्या हुआ भाई, कुछ समझ में आया? अरे उदयराम जी, बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। अरे भैया, जो भी कहना है साफ साफ कहो। बेटा, एक समय कुख्यात डाकू मंगल सिंह अपने घुड़सवारों के साथ सालासर की भूमि पर आ पहुंचा और अपने एक साथी से कहने लगा, बराबर। जी सरदार। इसी वक्त राजा के महल में जाओ और उनसे कहो कि हमारे खाने पीने का इंतजाम करें, और उनसे ये भी कहना कि 5,000 सोने की मुहरें लेकर हमारे सामने हाजिर हो, नहीं तो साला सर में कोई भी नहीं बचेगा। जो हो जाओ। जी जिन
आप घबराएं ना महाराज, ये लीजिए मेरे बालाजी महाराज की ध्वजा। उनकी ध्वजा को काट कर मेरे बालाजी प्रभु की ध्वजा को लगा दीजिएगा, फिर देखिए दुश्मन आपकी शरण में होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। विजयी भव। मुझ पे दया करो बाबा, मुझे क्षमा करो बाबा। आज के बाद सरासर भूमि पर मैं मुड़ के कभी नहीं देखूंगा। मुझसे क्या क्षमा मांग रहे हो बालक? मांगना है तो भगवान बालाजी से क्षमा मांगो। उन्होंने तुझे क्षमा कर दिया, समझना हमने क्षमा कर दिया। हे बालाजी भगवान, हे बजरंग बली, मेरे पापों को क्षमा कर दे बाबा। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे क्षमा कर दो बाबा। ठाकुर साहब प्रणाम। आइए आइए जवाई साहब, इतने दिनों के बाद कहिए कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मैं आपके पास एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। कहिए क्या करना होगा जवाई साहब? ठाकुर साहब, हमें भगवान बालाजी की एक प्रतिमा चाहिए। हमारे बाबा मोहनदास जी ने कहा है कि वह प्रतिमा हमें असोटा में ही मिलेगी। जैसी बालाजी की इच्छा, जय बालाजी। अचानक दर्द हो रहा है। दर्द? अरे ये अचानक कैसे हो गया? पता नहीं, उस खेत में से मूर्ति मिली। अरे अरे भगवान, अरे भगवान, अब तू ही पालन हारा है भगवान। आ,
अरे ये तो बजरंग बली जी की मूर्ति है। जय भगवान। हे बजरंग बली बाबा, अब मैं समझ गई हूँ मेरे पति के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हे प्रभु, उनका पेट दर्द ठीक कर दो, उनकी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। अरे अरे, मेरा पेट ठीक हो गया। क्या? मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। अरे क्या, मैं ठीक हो गया। ठीक हो गए? हाँ, मैं ठीक हो गया। ये सब मैं बिल्कुल हनुमान जी की कृपा से हुआ है जी। हनुमान जी, जय हनुमान। बेटा, किसान की पत्नी की पुकार सुनकर बालाजी ने उसके दुख दूर कर दिए और वो किसान फिर से अपने खेतों में हल चलाने लगा। ये खबर धीरे धीरे सारे नगर में फैल गई। असौटा के ठाकुर चंपावत ने वो मूर्ति अपने महल में बुलवा ली और विधि विधान से उसका पूजन किया। एक रात ठाकुर चंपावत के महल में हनुमान जी प्रकट हो गए और ठाकुर से कहने लगे, अरे भाई जल्दी तैयारियां करो, भगवान बालाजी कभी भी हमारे नगर पधार सकते हैं। बाबा की अगवानी की पूरी तैयारी हो चुकी है। अच्छा, हो गई है? जी हाँ। चलो चलो जल्दी चलो। बेटा, वो बैलों की गाड़ी चलते चलते एक स्थान पर रुक गई। संत मोहनदास जी ने कहा कि भगवान बाला बजरंग की स्थापना इसी स्थान पर की जाए। संवत 1811 ईस्वी सन 1754 में श्रवण शुक्ल नौवीं की तिथि को शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हो ही रही थी कि तभी पासी के नगर जूलिया सर के एक ठाकुर जोरावर सिंह वहां आ पहुंचे। उनकी पीठ पर एक रोग था जिसे वो वर्षों से सह रहे थे। वो भगवान बाला के सामने आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, ठाकुर बोले, श्री बाला से है दुख हरता से
क्या कह रहे हो नाई? मैं सच कह रहा हूँ ठाकुर साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस एक काला निशान है और ये रोग हो ही नहीं सकता। क्या क्या मैं ठीक हो गया? धन्य हो, धन्य हो बालाजी भगवान, धन्य हो। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। नाई जल्दी से मेरे वस्त्र लाओ, मैं अभी बालाजी भगवान के दर्शन करने सालासर जाऊंगा। जाके ठाकुर साहब। पुजारी जी, मेरे मन में एक शंका है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या शंका है बेटा? पुजारी जी, श्री हनुमान जी के कपि रूप के दर्शन तो मैंने कई स्थानों में किए, परंतु सालासर बालाजी हनुमान जी के दर्शन साधु भेषधारी रूप में मैंने पहली बार करे हैं। बेटा, तुम्हारी शंका का समाधान मैं अभी किए देता हूँ। बेटा, पहले यहाँ श्री बालाजी का कपि रूप ही था, अपने कंधे पर भगवान राम और लक्ष्मण को बैठाए हुए थे, किंतु संत शिरोमणि मोहनदास जी चाहते थे कि उन्हें जिस रूप में दर्शन देते हैं उसी रूप में वे यहाँ विराजमान रहें। उसी समय हनुमान जी प्रकट हो गए और देखते ही देखते उनकी छवि बदल गई। दाढ़ी मूछ, मस्तक पर लंबा तिलक, विकट भाव हैं, सुंदर आंखें, एक हाथ में पर्वत और एक हाथ में वज्र धारण किए हुए। Yeah.
कहिए बाबा जी महाराज, इस नाचीस को कैसे याद किया? आओ नूर मोहम्मद, तुम्हें बालाजी भगवान का सुंदर सा मंदिर बनाना है, किंतु उससे पहले ये मुद्रिका लो और सबसे पहले अपने घर में जाके खाने पीने का इंतजाम करो। बाबा जी, आपने कैसे जान लिया मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं? मैं कुछ नहीं जानता नूर मोहम्मद, जानने वाले तो बालाजी भगवान हैं, जिनका मंदिर तुम्हें बनाना है। जी बाबा जी। बेटा, वो रोकड़िया धन लेकर रामगढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में बीहड़ वन पड़ा और डाकुओं ने उसे घेर लिया। वो रोकड़िया अपनी दोनों आंखें बंद कर भगवान बालाजी से प्रार्थना करने लगा कि हे सालासर के हनुमान, अगर ये डाकू ये धन ना लूटें और इसे मैं इसके स्थान पर पहुंचा दूं, तो मैं आपके मंदिर निर्माण में जो भी सहयोग बनेगा करूंगा। भगवान बालाजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे डाकू उसे कुछ ना बोले। रामगढ़ पहुंचकर रोकड़िये ने महाजन को सारा हालचाल सुनाया। महाजन ने संकल्प करके उसी वक्त दान राशि भिजवाकर हनुमान जी के मंदिर में सहयोग किया। बेटा, एक समय सीकर के महाराज राव राज देवी सिंह जी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, महाराज देवी सिंह ढोला सा गांव एक पुत्र को गोद लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक विशाल वृक्ष की शाखा सामने आ गई। महाराज सर झुकाने को अपना अपमान समझते थे, इसलिए उन्होंने शाखा को काटने का आदेश दे दिया। दोबारा लौटने पर शाखा कटी नहीं देखकर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने उस शाखा को काटने का आदेश दिया। तभी मोहनदास के गुरु भाई गरीब दास वहां आ पहुंचे और बोले, चढ़कर चलता है तू सान बता, एक दिन
हे साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं आपको ना पहचान सका। अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई, मैंने जो भी अपराध किया, कृपया मुझे क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। उठो देवी सिंह महाराज, आपसे कोई भूल नहीं हुई, बस आपके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था जो आज दूर हो गया। सच कह रहे हैं साधु महाराज आप, शायद इसी अभिमान के कारण भगवान ने मेरी रानी साह की गोद आज तक सूनी रखी और मुझे संतान सुख से वंचित रखा। धीर धारण करो महाराज, आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। आप इसी समय सालासर बजरंग धाम जाएं, उनके दरबार में जाकर फरियाद लगाएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आज्ञा दे। तथास्तु। बेटा, भगवान बालाजी के मंदिर के लिए सभी राजा महाराजाओं ने तन मन धन से सहयोग किया। कुछ समय पश्चात संत मोहनदास जी की बड़ी बहन कन्ही देवी का स्वर्गवास हो गया। उनके जाने के बाद संत मोहनदास जी ने अपनी गद्दी अपने भांजे उदयराम जी को देने का फैसला किया और एक दिन सबकी सम्मति से मंदिर की पूजा का भार अपने भांजे उदयराम को सौंप दिया।
बेटा, संवत 1850 वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को प्रातःकाल शुभ बेला में भक्त शिरोमणि संत मोहनदास जी महाराज ने जीवन समाधि ग्रहण कर ली। वो धुनी उन्हीं की जल रही है और वो चिमटा भी उन्हीं का गड़ा हुआ है।